नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में दोषियों की गिरफ्तारी का आदेश। झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में राज्य सरकार द्वारा फिर एसआईटी का गठन किया गया है। रांची के सदर पुलिस उपाधीक्षक संजीव कुमार बेसरा स्पेशल टास्क फोर्स का नेतृत्व करेंगे। एसआईटी में 4 पुलिस निरीक्षक समेत अन्य पुलिसकर्मी शामिल हैं। इससे संबंधित आदेश मंगलवार को रांची के वरीय आरक्षी अधीक्षक द्वारा जारी कर दिया गया। एसआईटी को इस मामले की जांच कर दोषियों को जल्द गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया है। आपको बता दें कि पेपर लीक से नाराज छात्रों ने जांच की मांग को लेकर जेएसएससी कार्यालय के बाहर जमकर हंगामा किया था और विरोध प्रदर्शन किया था। आपको बता दें कि झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 28 जनवरी 2024 को निर्धारित तारीख पर हुई थी। बड़ी संख्या में छात्र परीक्षा में शामिल भी हुए, लेकिन छात्रों ने प्रश्न पत्र लीक का आरोप लगाया। मामले को गंभीरता से लेते हुए इस घटना के बाद तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक सदर के नेतृत्व में स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया था। राजभवन उद्यान की खूबसूरती देखने के लिए 12 फरवरी तक फ्री एंट्री। राजभवन उद्यान आम लोगों के लिए मंगलवार से खुला है। पहले दिन 3469 लोगों ने राजभवन उद्यान का भ्रमण किया। हर वर्ग के लोगों ने उद्यान की खूबसूरती का आनंद लिया। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के निर्देशन पर राजभवन उद्यान आम नागरिकों के भ्रमण के लिए 6 फरवरी से 12 फरवरी 2024 तक खोला गया है। सुबह 10 बजे से अपराह्न 3 बजे तक राजभवन उद्यान में घूम सकते हैं। राजभवन के गेट नंबर 2 से सुरक्षा जांच के बाद दोपहर 1 बजे तक प्रवेश कर सकते हैं। आम लोगों के लिए फ्री एंट्री है। राजभवन उद्यान में 400 किस्म के 17,000 से अधिक गुलाब हैं। विदेशों से मंगवाए गए फूल सहित भारत पाकिस्तान युद्ध में उपयोग में लाए गए टैंक, बड़ा चरखा, शहीद स्थल आदि आकर्षण का केंद्र है। झारखंड वित्त रहित शिक्षण संस्थान नहीं भर पा रहे ऑनलाइन अनुदान प्रपत्र। झारखंड में संचालित वित्त रहित स्कूल इंटर कॉलेज के वित्तीय वर्ष 2023-24 के तहत अनुदान ऑनलाइन करने की तिथि 10 फरवरी तक है। 25 दिन बीत जाने के बाद भी राज्य के एक भी स्कूल इंटर कॉलेज ऑनलाइन अनुदान प्रपत्र नहीं भर सके हैं। पोर्टल में आई तकनीकी गड़बड़ी अब तक दूर नहीं हुई है। सिर्फ 5 दिन बचे हुए हैं। वित्तीय वर्ष समाप्ति में भी अब अधिक दिन नहीं बचा है, लेकिन अनुदान प्रपत्र तक नहीं भरवाया गया। प्राइवेट एजेंसी जिसको ऑनलाइन करने की जवाबदेही दी गई है, वह अभी तक पोर्टल की तकनीकी गड़बड़ी को ठीक नहीं कर सका। इस वजह से यह भी स्पष्ट नहीं है कि तकनीकी गड़बड़ी क्या है और कब तक ठीक होगा। वह बार बार समय दे रहा है, लेकिन गड़बड़ी दूर नहीं हो पा रही है। झारखंड नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप टेस्ट 2024 के लिए एडमिट कार्ड जारी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक की ओर से नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप में आवेदन करने वाले स्टूडेंट के लिए बड़ी खबर है। जैक बोर्ड की ओर से इस एग्जाम में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। एडमिट कार्ड ऑनलाइन माध्यम से झारखंड बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट jack.jharkhand.gov.in पर उपलब्ध करवाए गए हैं। बता दें, इस परीक्षा का आयोजन स्कॉलरशिप के लिए किया जाता है। इस एग्जाम में सफल होने वाले छात्र छात्राओं को कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के छात्रों को प्रति महीना 1,000 रुपये की स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। झारखंड मौसम। झारखंड में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल सकता है। 11 व 12 फरवरी को गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना है। कोहरा से अभी राहत नहीं मिलने वाली है। अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की भी संभावना नहीं है। इसके बाद अगले 3 दिनों में इसमें धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। बता दें, 9 व 10 फरवरी की सुबह में कोहरा या धुंध और बाद में आंशिक बादल छाए सकते हैं। राजधानी रांची और इसके आसपास के इलाकों में 12 फरवरी तक सुबह में कोहरा रह सकता है। इसके बाद आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। झारखंड विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। झारखंड विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद चंपई सोरेन के नेतृत्व में बनी नई सरकार के फ्लोर टेस्ट के लिए आहूत 2 दिवसीय विशेष सत्र में सत्ता और विपक्ष के बीच जमकर बहस हुई। दोनों पक्षों ने राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में भाग लिया और एक दूसरे पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाए। विपक्ष के बहिष्कार के बीच संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आपने हम पर विश्वास किया है, हम आपको निराश नहीं करेंगे। आलमगीर आलम ने यह भी कहा है कि हेमंत सोरेन के कार्यों को चंपई सोरेन के नेतृत्व में बनी सरकार आगे बढ़ाएगी। उन्होंने सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई है। उन्होंने कहा है कि झारखंड राज्य का गठन भाजपा ने नहीं किया। अगर राज्य सरकार प्रस्ताव नहीं भेजती तो अलग झारखंड नहीं बनता। इसके लिए हमारे 11 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया था।
बिहार में हम गठबंधन की सरकार में थे, अलग राज्य के गठन में हमारा सबसे बड़ा योगदान था। सियासी हलचल के बीच आज ईडी कोर्ट में हेमंत सोरेन की पेशी। बड़गाई अंचल के 8.46 एकड़ जमीन घोटाले के आरोपित पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बुधवार को ईडी कोर्ट में पेश किया जाएगा। हेमंत सोरेन 5 दिनों की ईडी की रिमांड पर हैं। ईडी जेल से उन्हें 3 फरवरी को अपने साथ ले गई और उसी दिन से लगातार पूछताछ कर रही है। ईडी रिमांड की अवधि बुधवार को समाप्त हो रही है। बता दें, ईडी हेमंत सोरेन से बुधवार को पूछताछ के बाद कोर्ट में पेश करेगी। जानकारी के अनुसार ईडी हेमंत सोरेन से आगे भी पूछताछ जारी रखना चाहती है। इसको देखते हुए ईडी की ओर से हेमंत सोरेन के रिमांड की मांग कर सकती है। कोर्ट की अनुमति मिलती है तो ईडी उन्हें साथ ले जाएगी, नहीं मिलने पर उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। धनबाद में 10 से फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम। धनबाद में फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम को लेकर मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन 10 फरवरी से लेकर 25 फरवरी के बीच 24 लाख लोगों को दवा खिलाई जाएगी। इसकी तैयारी स्वास्थ्य विभाग में शुरू कर दी गई है। दवा खिलाने को लेकर डॉक्टर और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। लगभग 10,000 से ज़्यादा स्वास्थ्य कर्मी, आंगनबाड़ी कर्मी, सहिया आदि का दवा खिलाने के लिए सहयोग लिया जा रहा है। 15 दिनों में विभिन्न जगहों पर दवा वितरण केंद्र बनाकर दवा खिलाई जाएगी। सदर अस्पताल में मंगलवार को कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। फाइलेरिया रोधी दवा सभी सरकारी और निजी स्कूलों और अस्पतालों में खिलाई जाएगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग के साथ बैठक करके स्कूलों को चिन्हित किया गया है। JSSC ने जताया संदेह, आउटसोर्सिंग एजेंसी से लीक हुआ होगा पेपर। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने संदेह जताया है कि CGL परीक्षा का पेपर लीक आउटसोर्सिंग एजेंसी के स्तर पर हो सकता है। गोपनीय परीक्षा सामग्री की चयन ऑफ कस्टडी और ट्रांसफर ऑफ कस्टडी के लिए दिए गए टाइमलाइन अगर इन दोनों की सेंसिटिव इंटेक्ट है तो प्रश्नों का लीक आउटसोर्सिंग एजेंसी के स्तर से ही हुआ हो सकता है। इस संबंध में JSSC के प्रभारी सचिव मधुमिता कुमारी ने कार्मिक विभाग के सचिव को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी है। आयोग की प्रभारी सचिव ने स्पष्ट किया है कि आउटसोर्सिंग एजेंसी के चयन व कार्यादेश दिए जाने की कार्यवाही आयोग स्तर से जून 2023 में ही पूरी कर ली गई थी। आयोग के वर्तमान अध्यक्ष ने 27 सितंबर 2023 को योगदान किया है। अक्टूबर में आयोग की ओर से आउटसोर्सिंग एजेंसी के खिलाफ कई कठोर निर्णय लिए गए। आउटसोर्सिंग एजेंसी से आयोग के किसी पदाधिकारी या पदाधिकारी की कोई मिलीभगत होने का आरोप पूर्ण रूप से झूठा है। हेमंत की गिरफ्तारी पर सदन में भिड़े पक्ष विपक्ष। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान मंगलवार को विधानसभा में पक्ष व विपक्ष में तकरार होती रही। सत्ता पक्ष के विधायकों ने हेमंत सोरेन को जेल भेजने को लेकर भाजपा, केंद्र सरकार व ईडी पर आरोप लगाए। वहीं भाजपा ने चंपाई सोरेन के उस बयान पर घेरा जिसमें उन्होंने अपनी सरकार को हेमंत सोरेन पार्ट 2 कहा था। विशेष सत्र के दूसरे दिन झामुमो विधायक स्टीफन मरांडी ने अभिभाषण पर चर्चा शुरू की। उन्होंने ईडी की कार्रवाई और केंद्र सरकार पर शक्ति के दुरुपयोग का आरोप लगाया। कहा कि हेमंत सोरेन के कामकाज को लोग पचा नहीं पा रहे थे। उन्होंने राजभवन से हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किए जाने पर कहा कि राजभवन भी पूरे मामले में शामिल है। चर्चा के दौरान कांग्रेस की दीपिका पांडे सिंह ने भाजपा सदस्यों पर असंवैधानिक शब्दों के साथ टिप्पणी कर दी, जिसके बाद भाजपा सदस्यों ने हंगामा किया। स्पीकर ने नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी के आग्रह पर उनके शब्दों को स्पंज कर दिया है। हेमंत सोरेन की जमीन होने के पुख्ता साक्ष्य हैं मौजूद। बाबूलाल मरांडी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रेस वार्ता कर हेमंत सोरेन पर आरोप लगाया है कि उन्होंने अवैध कमाई के साक्ष्य छिपाने के लिए दूसरे के नाम पर जमीन खरीदी। मंगलवार को प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता करते हुए कहा है कि हेमंत अभी ईडी की कस्टडी में है, लेकिन सोमवार को चंपाई सरकार के विश्वास प्रस्ताव पर भाषण करते हुए ऐसे बोल रहे थे जैसे उन्होंने कुछ गलत किया ही नहीं। सोरेन परिवार में आदतन गड़बड़ करने की फितरत है। बाबूलाल ने मीडिया को बरियातो स्थित 8.50 एकड़ जमीन के चौकीदारी संतोष मुंडा का ऑडियो वीडियो दिखाया। इसमें उसने उपयुक्त जमीन का मालिक हेमंत सोरेन को बताया है। उन्होंने कहा है कि हेमंत ने अपनी काली कमाई छुपाने के लिए जमीन में पैसे निवेश करने का तरीका अपनाया। जनता के अधूरे काम पूरा करेंगे आलमगीर आलम। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान भाजपा पर सत्ता पक्ष के नेताओं ने आदिवासी विरोधी होने का आरोप लगाया। वहीं भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर झारखंड आंदोलन का विरोधी होने व पूर्ववर्ती आदिवासी CM शिबू सोरेन और मधु कोड़ा को जेल भेजने का आरोप लगाया। अभिभाषण पर सरकार का जवाब रखते हुए संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि संयुक्त बिहार में साल 2000 में बिहार में कांग्रेस सरकार में थी। हमारे कांग्रेसी नेताओं ने तब मंत्री पद का त्याग किया, फिर झारखंड बना।
आज विपक्ष मुद्दा बनाए हैं कि राहुल गांधी उलिहातू नहीं गए, लेकिन बिरसा के परिवार से राहुल गांधी मिले, पीएम बिरसा मुंडा के परिजन से नहीं मिले थे। चंपाई सोरेन जल्द करेंगे अपने कैबिनेट का गठन। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन अपनी सरकार का सदन में विश्वास मत जीत लिया है। अब चंपाई के कैबिनेट पर सभी की निगाहें टिकी है। महागठबंधन में तीन दल झामुमो, कांग्रेस और राजद मुख्य रूप से शामिल है। झामुमो से चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री हैं, राजद कोटे से सत्यान्न भोक्ता और कांग्रेस कोटे से आलमगीर आलम को मंत्रिपरिषद के सदस्य के रूप में शपथ दिलाई जा चुकी है। झारखंड सरकार में मुख्यमंत्री के अलावा 11 मंत्री हो सकते हैं। कैबिनेट विस्तार में झामुमो और कांग्रेस कोटे के मंत्रियों के पद भरे जाएंगे। माना जा रहा है कि 8 फरवरी को मंत्रिपरिषद के सदस्यों का शपथ ग्रहण हो सकता है। चंपाई सोरेन ने भाजपा पर पलटवार किया है। चंपाई सोरेन ने कहा है कि सरकार 5 साल के लिए बनी थी, साजिश करके हेमंत को हटाया गया। धर्मेंद्र गोस्वामी बने सीएम चंपाई के प्रेस सलाहकार। सरायकेला निवासी धर्मेंद्र गोस्वामी को मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का प्रेस सलाहकार नियुक्त किया गया है। इस बाबत सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने मंगलवार देर रात अधिसूचना जारी कर दी है। धर्मेंद्र गोस्वामी सरायकेला के श्रीनाथ विश्वविद्यालय के नजदीक स्थित मांझी टोला के रहने वाले हैं। उनके पिता का नाम स्वर्गीय परमेश्वर गोस्वामी है। जारी अधिसूचना में कहा गया है कि धर्मेंद्र गोस्वामी का पद सीएम की इच्छा या सीएम के कार्यकाल तक सीमित रहेगा। ईडी के साथ बैठक कर अब नई कहानी गढ़ रहे बाबूलाल मरांडी, सुप्रियो भट्टाचार्य। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के दिए बयान पर पलटवार किया है। झामुमो के महासचिव और प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि मरांडी भाजपा और ईडी के गठजोड़ की पोल खुलने की डर से नई कहानी गढ़ रहे हैं। एक तो आदिवासी, मूलवासी, दलित, शोषित, अल्पसंख्यक एवं युवाओं के हृदय सम्राट हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करके लोकप्रिय सरकार को अपदस्थ करने की पटकथा भाजपा ने लिखी। इसका रूपांतरण ईडी के जरिए कराया गया। अब इसकी कलाई खुलने के डर से नई कहानी गढ़ रहे हैं। नए पात्र चुने जा रहे हैं, तिथियां चुनी जा रही हैं। सीएम चंपाई पहुंचे सरायकेला। झारखंड की कमान संभालने के बाद मंगलवार की शाम सीएम चंपाई सोरेन पहली बार सरायकेला पहुंचे। उन्होंने वहां सबसे पहले भगवान बिरसा मुंडा की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया है। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा है कि पूर्व सीएम हेमंत सोरेन द्वारा शुरू की गई योजनाओं को गति देकर झारखंड वासियों के जीवन स्तर में बदलाव लाने का प्रयास किया जाएगा। चंपाई सोरेन ने आगे कहा कि राज्य सरकार यहां के सभी वर्ग के लोगों को हक अधिकार देने का कार्य करेगी। हमारा प्रयास होगा कि झारखंड वासियों के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव ला सके। इस अवसर पर एसडीओ पारुल सिंह, विधायक प्रतिनिधि सानत कुमार आचार्य के अलावा पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। मैंने कुत्ते को खिलाने के लिए उसके मालिक को बिस्कुट दिया था, राहुल गांधी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा है कि कुत्ते द्वारा मेरे हाथ से बिस्कुट नहीं खाने पर मैंने यह बिस्कुट खिलाने के लिए उसके मालिक को दे दिया था। कांग्रेस नेता की यह सफाई उस वीडियो जिसमें वह एक बिस्कुट कुत्ते के खाने से इनकार करने के बाद उसे बिस्कुट को व्यक्ति को देते हुए दिख रहे हैं के वायरल होने के बाद आई है। इस वीडियो के बाद भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने आरोप लगाया था कि गांधी इस तरह से अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ व्यवहार करते हैं। इस बारे में पूछे जाने पर गांधी ने पत्रकारों से कहा, कुत्ता घबराया हुआ था और कांप रहा था। जब मैंने उसे बिस्कुट दिया तो वह डर गया। फिर मैंने उसके मालिक को बिस्कुट देते हुए कहा कि यह आपके हाथ से खाएगा। फिर मालिक ने बिस्कुट दिया और कुत्ते ने खा लिया।